दोस्तों, रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपना एक न्यू स्मार्टफोन रियलमी 10 4G को लॉन्च किया है और इस वीडियो में इस फोन का रियलिटी बताएंगे कि क्या सच में ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और ये फोन किन के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फोन का अगर डिस्प्ले का बात करें तो इस फोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और ये कर्व डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है। वहीं इस फोन के अगर प्रोसेसर का बात करें तो इस फोन में MediaTek का हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया, जो कि ये 4G प्रोसेसर भले ही है लेकिन न्यूली लॉन्च 4G प्रोसेसर है। ये 6 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पे बेस्ड है और परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक और बढ़िया है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, डे टू डे का टास्क आपका मेन प्रायोरिटी होता है ना, तो फिर ये प्रोसेसर एकदम मस्त है और बहुत बढ़िया से वर्क करेगा, फोन एकदम स्मूथली चलेगा। और आप अगर गेमिंग करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप गेमिंग भी कर लीजिएगा ना, तो उसको भी अच्छे से झेल जाएगा। ये परफॉर्मेंस वाइज भी फोन बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। वहीं इस फोन का अगर बैटरी डिपार्टमेंट का बात करें तो इस फोन में 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि 33W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है और चार्जर भी बॉक्स में दिया गया है। और ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, इसमें डुअल स्पीकर नहीं दिया गया है। वहीं इस फोन का अगर कैमरा का बात करें तो इस फोन में मेन कैमरा 50MP का दिया गया है और जो दूसरा कैमरा है ना, वो यूजलेस कैमरा है, वो किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही शोभा के लिए उसमें लगाया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा का बात करें तो इस फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और ये कैमरा डिपार्टमेंट में फोन ठीक ठाक और बढ़िया होने वाला, प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा ही होने वाला है इस फोन का। वहीं इस फोन में एक निगेटिव बात है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 के साथ नहीं आता है। ये जो है ना, रियलमी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अगर ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता तो थोड़ा सा और ज्यादा बेस्ट होता, लेकिन ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ ही आता है और हो सकता है कि एक दो साल का अपडेट मिल जाएगा, 14 तक चला जाएगा, बस उससे ज्यादा का चांस जाने का बिल्कुल है ही नहीं, 14 तक ही अगर ये चला जाए तो बहुत है। वहीं इस फोन का अगर प्राइस का बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, उसका प्राइस रखा गया 13,999 रुपया। और आपके पास अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड रहेगा तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और इस फोन को 12,999 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो देखिए, 12,999 रुपये हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बढ़िया डील है, आप चाहें तो जाकर के इस फोन को ले सकते हैं। जिनको भी एक नॉर्मल यूज है, कि जिनको बहुत ज़्यादा हैवी यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करना है और 4G फोन हो या 5G फोन हो, उससे उनको कोई खास मतलब नहीं है, बस एक नॉर्मल वे में फोन अच्छे से चले स्मूथली और डे टू डे का टास्क उनका बढ़िया से हो जाए, ऐसा अगर नीड है ना आपका, तो आंख बंद करके इस फोन को ले लीजिए, क्योंकि ये फोन 12,999 के हिसाब से एकदम तगड़ा और बढ़िया डील है। लेकिन जो लोग अगर गेमिंग पर्पज से लेना चाह रहे हैं ना, तो वो लोग भी इस फोन को ले सकते हैं, बस ये है कि बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करेंगे, बहुत देर तक गेमिंग करेंगे, बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि कभी कभार ये लैग हो या फिर फंसे, हैंग करे, ऐसा इशू आएगा। लेकिन नॉर्मल वे में अगर आप गेमिंग भी कीजिएगा तो इस फोन को आप ले सकते हैं। वैसे अभी 5G के पीछे भागना कुछ ज़्यादा समझदारी नहीं होने वाला है, क्योंकि 5G का नेटवर्क पूरे इंडिया में अभी फैलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 5G का रेंज बहुत कम होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी लगाना पड़ेगा, तो इतना सब करने में एक दो साल आराम से निकल जाएगा। और नॉर्मली कोई भी इंसान अगर फ़ोन लेता है ना, तो 2 साल के बाद उससे उब ही जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको चेंज ही कर ही देता है। तो 12,999 रुपये हिसाब से ये सही डील मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ले सकते हो, ये अच्छा डील है। बाद बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है 12,999 रुपया में, तो फिर इस फोन को भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। वैसे मुझे जो सही लगा मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया हूँ, बाद बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।